की कोशिश की। मतलब रेत माफिया इतना बढ़ गए थे कि जिसका हिसाब सुनवाई करने के लिए तैयार है, क्या करें हमसे जान लगाए। एसडीएम साहब को भी लगा काट देते मोबाइल, बात नहीं करते। हमारे गाड़ी चलाने की कोशिश की। आप ड्यूटी कर रहे हैं कि रहम खा रहे लोगों पे, मेरे को ये बताइए। हर गांव में देखा जाए तो रेत खदान चल रही है। पिपलूद गांव में, खेड़ी में, ननगांव, पेंड्रा बड़े पैमाने पर चल रही है। नर्मदा नदी एक जीवन रेखा मानी जाती है लोगों की, पर नर्मदा नदी पर खास करके रेत जो अवैध खनन हो रहा है वो नर्मदा को भी क्षति पहुंच रही है, पर्यावरण को भी क्षति पहुंच रही है और पूरी नर्मदा को खत्म करने की साजिश चल रही है। बालू रेत भर के निकल जाते हैं, फिर भी पुलिस भी कार्रवाई नहीं करती और खनिज विभाग के अधिकारी भी जब जाते हैं राउंड मार के आ जाते हैं, जबकि वो ना तो गांव के अंदर जाते और जहाँ चल रहा है उस जगह पे भी नहीं जाते। और जाते भी हैं तो वो लोगों से बीच में न जाते हुए खनिज माफियाओं के बीच में जाते हैं और उनके पास में जाके उल्टे लोगों से चर्चा करते हैं, जिससे उनका हौसला ज़्यादा ही बुलंद हो रहा है। इतनी घुसपैठी करते हैं कि दो दो ढाई ढाई हज़ार 2500 रुपये में एक ट्रैक्टर वाले को छोड़ देते हो, उसका पंचनामा वगैरह कुछ भी नहीं, कार्रवाई नहीं होती है। नर्मदा बचाओ आंदोलन संगठन नहीं होता तो आज तक ये इतनी रेत भी नहीं बचती। हजारों टन रेत निकाली जा रही है और उससे जो नदी में मिट्टी फेंकी जाती है उससे मछली पर असर है, नदी के पानी के पेयजल पर असर है, यहाँ के रास्ते और फसलों पर असर है जो धूल से होता है। इस वीडियो को देखने वाले सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आप भी हमारी मदद करें। बड़वानी जिले के कलेक्टर श्री अजय सिंह गंगवार जिनका मोबाइल नंबर, इस पर कॉल कर दबाव बनाइए जिससे कि अवैध रेत उत्खनन तत्काल बंद हो। मैं पवन सोलंकी, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले से, इंडिया नेट के लिए।